मुझे इसका प्रमाण पत्र भी मिला। हम सभी सहेलियों ने पांच समूह लक्ष्मीबाई, मीरा इत्यादि गुरु बनाकर मांडना का भी चित्रण किया। कविता प्रतियोगिता में छोटे छोटे बच्चों ने भाग लिया। सबने एक से बढ़कर एक अपनी प्रस्तुतियां दी। साहित्य मंच टोडा राइजिंग द्वारा आयोजित इन प्रतियोगिताओं के कारण आसपास के छोटे छोटे गांव से भी बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल रहा है। जो बच्चे गांव में किसान परिवार या गरीब परिवार से हैं, उन्हें भी इस साहित्य मंच के माध्यम से अपनी अपनी प्रतिभा दिखाकर आत्मविश्वास बढ़ाने का मौका मिला है। मैंने साहित्य मंच टोडा राइजिंग के संरक्षक डॉक्टर सूरज सिंह जी नेगी साहब द्वारा लिखित पुस्तक पापा फिर कब आओगे को मेरे घर पर पढ़ने का भी मुझे मौका मिला। इस पुस्तक में अभावग्रस्त बच्चों के संघर्ष में जीवन की मार्मिक कहानियां प्रस्तुत की गई है। एक बच्चे के लिए एक पिता के होने या न होने से उसके जीवन की दिशा और दशा ही बदल जाती है। यह डॉक्टर नेगी साहब की इस कहानी का मुख्य भाव था। मैं भी मेरे पिता के सम्मान में कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगी। नारियल को देखा है न गौर से, नारियल को देखा है न गौर से, ऊपर से सख्त अंदर से कितना नर्म मुलायम, एकदम मलाई सा, बिल्कुल ऐसे ही मेरे पापा। माँ की तरह लोरी नहीं सुनाते, माँ की तरह लोरी नहीं सुनाते, मेरे आंसुओं को आंचल नहीं थमाते, तो क्या अंगुली पकड़कर जिंदगी के कठोर धरातल पर पहला कदम रख चलना सिखाते मेरे पापा। ठोकर खाकर गिरने पर दर्द को सहना सिखाते मेरे पापा। माँ की तरह परीलोकी से नहीं कराते, माँ की तरह परीलोकी से नहीं कराते, दुनिया की ऊंच नीच नहीं समझाते, तो क्या मेरे इम्तिहानों में मेरे साथ रात भर जागते, मेरे इम्तिहानों में मेरे साथ रात भर जागते, मेरे लिए चाय बनाते है मेरे पापा, मेरे बेहतर कल के लिए अपना सुनहरा आज खर्च करते मेरे पापा। माँ की तरह भीजकर गले नहीं लगाते, माँ की तरह भीजकर गले नहीं लगाते, मेरी याद में आंसू नहीं बहाते, तो क्या चुपचाप मुझे निहारते, खामोश निगाहों से सब कुछ कह जाते मेरे पापा। मेरे जाने के बाद उदास अकेले मुझे मेरे कमरे में ढूंढते मेरे पापा। जन सरोकार मंच की पाती अपनों की मुहिम की श्रृंखला में मैं मेरे पिता के लिए पत्र के माध्यम से मेरे मन के उद्गार प्रस्तुत कर रही हूँ। उसमें कोई त्रुटि होवे तो मुझे क्षमा करना। आदरणीय पिताजी, चरण स्पर्श, आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। जीवन में काफ़ी लगाव, प्रेम और पिता के प्रति सम्मान रहा। संकोच की सीमाओं के बीच कभी शब्दों के जरिए जता या बता नहीं पाई, लेकिन आज जब जन सरोकार मंच के माध्यम से पत्र वाचन के जरिए बताने का
अवसर मिला है तो मैं बताना चाहूँगी कि आपने मुझे काबिल बनाने और हमेशा खुश रखने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके लिए शायद किसी उपहार से ज़्यादा संतान की उनके प्रति प्रेम और भावनाओं की अभिव्यक्ति अनमोल अनमोल होगी। इसीलिए मैं अपनी अमूल्य भावनाएं जो सिर्फ आपके लिए है उन्हें व्यक्त कर रही हूँ। पापा, एक बेटी होने के नाते हमेशा से ही मेरा झुकाव आपकी तरफ अधिक रहा है और आज भी माँ से ज़्यादा आपसे ज़्यादा पटरी बैठती है मेरी। जब भी माँ बचपन में डांटती तो आप पास बुलाकर मुझे दुलार दिया करते थे। माँ ने किसी चीज़ के लिए मना किया तो चोरी चुपके आप ही फरमाई से पूरी किया करते थे। हर शौक मेरा आपने पूरा किया, हर छोटी बड़ी उपलब्धि पर मेरा उत्साह बढ़ाते रहे। जब भी मेरी हिम्मत जरा भी कम पड़ती दिखाई दी तो हौसला आपने ही दिया, ये कहकर कि तुम करो, आगे बढ़ो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, फिर किस बात की चिंता। जब मम्मी डांट रही थी तो कोई चुपके से हंसा रहा था, वो थे पापा। जब मैं सो रही थी तब कोई चुपके से सिर पर हाथ फिरा रहा था, वो थे पापा। जब मैं सुबह उठी तो कोई बहुत थक कर भी काम पर जा रहा था, वो थे पापा। खुद कड़ी धूप में रहकर मुझे एसी में सुला रहा था, वो थे पापा। खुद कड़ी धूप में रहकर एसी में सुला रहे थे, वो थे पापा। सपने तो मेरे थे पर उन्हें पूरा करने का रास्ता कोई और बताया जा रहा था, वो थे पापा। मैं तो सिर्फ अपनी खुशियों में हंसती हूँ पर मेरी हंसी देखकर कोई अपने गम भुलाए जा रहा था, वो थे पापा। फल खाने की ज़्यादा ज़रूरत तो उन्हें थी पर कोई मुझे सेब खिलाए जा रहा था, वो थे पापा। खुश तो मुझे होना चाहिए कि वो मुझे मिले, पर मेरे जन्म लेने की खुशी कोई और मनाए जा रहा था, वो थे पापा। घर में सब अपना प्यार दिखाते हैं पर कोई बिना दिखाए भी इतना प्यार करे जा रहा था, वो थे पापा। पेड़ तो अपना फल नहीं खा सकते पर कोई अपना पेट खाली रख कर भी मेरा पेट भरे जा रहा था, वो थे पापा। मैं अपने बेटी शब्द सार्थक बना सकी या नहीं पता नहीं, पर कोई बिना स्वार्थ के अपने पिता शब्द को सार्थक बनाए जा रहा था, वो थे पापा। आपके इन शब्दों ने जीवन की किसी भी कठिन और असमंजस भरी परिस्थिति में मेरा साथ नहीं छोड़ा। पापा, आप मेरे सुपर हीरो, मेरे आदर्श हो। मेरी हर जिद पूरी करने की आपकी चाहत थी तो आपकी पसंद के छोटे छोटे काम करना भी मुझे अच्छा लगता था। मैं बचपन में स्टेज पर जाने से डरती थी, शायद उस समय मुझ में आत्मविश्वास की कमी थी। तब आपने कहा था कि यदि स्टेज पर अपनी प्रस्तुति अच्छे से नहीं दे पाई तो कोई तुझे सजा नहीं देगा। दुख तुम्हें तब होगा जब तुम अपने डर के कारण
स्टेज पर ही न जाओ, तब तुम्हें हमेशा ये मलाल रहेगा। यदि मैं प्रस्तुति देने गई होती तो शायद यह प्रस्तुति अच्छी भी हो सकती थी। बस फिर मैं आगे बढ़ती गई और उस वर्ष से हर वर्ष 15 अगस्त और 26 जनवरी के समारोह में हर बार प्रस्तुति देकर इनाम प्राप्त करती रही। सफलता असफलता मिलती रही, पर मैंने आत्मविश्वास का साथ नहीं छोड़ा। मैं मेरे पापा के सम्मान में एक कविता पढ़ना चाहूँगी। कभी अभिमान तो कभी स्वाभिमान है पिता, कभी अभिमान तो कभी स्वाभिमान है पिता, कभी धरती तो कभी आसमान है पिता। जन्म दिया है अगर माने, जानेगा जिससे जग वो पहचान है पिता। कभी कंधे पे बिठाकर मेला दिखाता है पिता, कभी कंधे पे बिठाकर मेला दिखाता है पिता, कभी बनके घोड़ा घुमाता है पिता। माँ अगर पैरों पे चलना सिखाती है तो पैरों पे खड़ा होना सिखाता है पिता। कभी रोटी तो कभी पानी है पिता, कभी रोटी तो कभी पानी है पिता, कभी बुढ़ापा तो कभी जवानी है पिता। माँ अगर मासूम सी लोरी तो कभी ना भूल पाऊंगी वो कहानी है पिता। कभी हंसी तो कभी अनुशासन है पिता, कभी हंसी तो कभी अनुशासन है पिता, कभी मौन तो कभी भाषण है पिता। माँ अगर घर में रसोई है, माँ अगर घर में रसोई है तो चलता है जिससे घर वो राशन है पिता। कभी ख्वाब को पूरी करने की जिम्मेदारी है पिता, कभी ख्वाब को पूरी करने की जिम्मेदारी है पिता, कभी आंसुओं से छिपी लाचारी है पिता। माँ अगर बेच सकती है जरूरत पे गहने तो जो अपने को बेच दे वो व्यापारी है पिता। कभी हंसी और खुशी का मेला है पिता, कभी हंसी और कभी खुशी का मेला है पिता, कभी कितना तन्हा और अकेला है पिता। माँ तो कह देती है अपने दिल की बात, सब कुछ समेट के आसमान सा फैला है पिता। मेरी साहस मेरी इज्जत मेरा सम्मान है पिता, मेरी साहस मेरा इज्जत मेरा सम्मान है पिता, मेरी ताकत मेरी पूंजी मेरी पहचान है पिता। घर की एक एक ईंट में शामिल उनका खून पसीना, घर की एक एक ईंट में शामिल उनका खून पसीना, सारे घर की रौनकें उनसे सारे घर की शान है पिता। मेरी इज्जत मेरी शोहरत मेरा रुतबा मेरा मान है पिता, मेरी इज्जत मेरी शोहरत मेरा रुतबा मेरा मान है पिता। मुझे हिम्मत देने वाला मेरा अभिमान है पिता, सारे रिश्ते उनके दम से सारी बातें उनसे हैं, सारे रिश्ते उनके दम पे सारी बातें उनसे हैं, सारे घर के दिल की धड़कन सारे घर की जान है पिता। शायद रब ने देकर भेजा फल ये अच्छे कर्मों का, शायद रब ने देकर भेजा फल ये अच्छे कर्मों का, उसकी रहमत उसकी नियामत उसका है वरदान पिता। पिता की मौजूदगी सूरज की तरह होती है, सूरज गर्म जरूर होता है लेकिन ना हो तो अंधेरा छा जाता है। उन्होंने कभी भी मुझे किसी भी चीज़ की कमी महसूस होने नहीं दी। मेरे पापा ने हमको पढ़ाया लिखाया तथा बहुत अच्छे से वो हमारा ध्यान भी रखते हैं। मेरे पापा मुझे कभी भी किसी भी बात के लिए रोकते नहीं है। पापा मुझे बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं, वो हमेशा यही चाहते हैं कि मैं अच्छे से पढ़ूँ। हमारे पिताजी
हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो हमारा भी यह कर्तव्य बनता है कि हम उनकी मेहनत को बेकार नहीं जाने दें, बल्कि अच्छे से पढ़कर उनका नाम रोशन करें। जब भी मैं पापा से कुछ भी मांगती हूँ तो वो मुझे लाकर देते, चाहे वो चीज़ कितनी ही महंगी क्यों ना हो। वैसे हम सभी को अपने माता पिता की भावनाओं को समझना चाहिए। हालांकि हम सब लोग जानते हैं कि जितना हमारे माता पिता ने हमारे लिए किया है, उतना तो हम उनके लिए कभी नहीं कर सकते। लेकिन जीवन में ऐसा काम करो कि उनका सिर गर्व से ऊंचा हो जाए। माता पिता की अपने बच्चों को लेकर अनेक इच्छाएं हैं। मैं जब भी कोई काम करना चाहूं या कुछ भी करना चाहूं, मेरे पापा मुझे कभी भी रोकते या टोकते नहीं, बल्कि जो भी काम मैं करूं उसमें मुझे बढ़ावा देते हैं। मेरी दुनिया में इतनी जो शोहरत है, मेरे पापा की बदौलत है। आज मुझे मौका मिला है मेरे पापा के बारे में अपने विचार प्रकट करने का। मैं अपने पापा के बारे में जितना कहूँ उतना कम है। मेरे पापा ने जितना मेरे लिए किया है, उतना तो मैं उनके लिए कभी भी नहीं कर सकती। उपकार पिता के गिनती करना मुश्किल है। पिता के उत्तरदायित्व गिनाना मुश्किल है। शिराओं में रक्त पिता का बहे, कूट कूट स्वाभिमान पिता का भरा। भुलाना मुश्किल रग रग में है। पिता समाया छुपाना मुश्किल है। पिता के घर आंगन के आगे नब भी छोटा लगता है। पिता की अपने अपनत्व के आगे जग भी छोटा लगता है। आसमान सा विस्तृत पिता का महत्व बड़ा। हित चिंतक न कोई भी उनसे बड़ा। हर दस्तावेज में पिता साथ में होता है। उनके नाम बिना कुछ भी करना मुश्किल होता है। मेरे पापा ने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहन किए, लेकिन उन्होंने कभी भी बताया नहीं। उन्होंने कभी भी अपने बच्चों पर कोई भी आँच नहीं आने दी। मुसीबत नहीं आने दी। मैं पापा से उनके बचपन के बारे में पूछती हूँ और वो भी बताते हैं। जीवन में हमेशा सुंदर दिखना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। हमें जीवन में आगे बढ़ता रहना चाहिए। कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि पीछे मुड़कर देखने वाला कभी भी आगे नहीं बढ़ता। हमें कभी भी किसी भी काम के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो लोग क्या कहेंगे। हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि लोगों का तो काम ही यही है कहना। इसीलिए हमें कभी भी उनकी बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए। पिता मोटे तने और गहरी जड़ों वाला एक वृक्ष होता है।
एक वृक्ष होता है, एक विशाल वृक्ष, और माँ होती है उस वृक्ष की छाया, जिसके नीचे बच्चे बनाते बिगाड़ते हैं अपने घरोंदे। पिता के पास दो ऊंचे और मजबूत कंधे भी होते हैं, जिन पर चढ़कर बच्चे आसमान छूने के सपने देखते हैं। पिता के पास एक चौड़ा और गहरा सीना भी होता है, जिसमें जज्ब रखता है वह अपने सारे दुख। चेहरे पर जाड़े की धूप की तरह फैली चिर मुस्कान के साथ, चेहरे पर जाड़े धूप की तरह फैली चिर मुस्कान के साथ पिता के दो मजबूत हाथ छेनी और हथौड़ी की तरह दिन रात तराशते हैं सपने, दिन रात तराशते हैं सपने, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए। इसके लिए वह अक्सर अपनी ज़रूरतें और यहाँ तक कि अपने सपने भी कर देता है मुलतवी, और कई बार तो स्थगित भी। पिता भूत वर्तमान और भविष्य तीनों को एक साथ जीता है। भूत की स्मृतियाँ, वर्तमान का संघर्ष और बच्चों में भविष्य। पिता की उंगली पकड़कर चलना सीखते हैं बच्चे, एक दिन इतने बड़े हो जाते हैं, एक दिन इतने बड़े हो जाते हैं कि भूल जाते हैं रिश्तों की संवेदना, और सड़क पुल और बीहड़ रास्तों में उंगली पकड़कर तय किया कठिन सफ़र। बाहें डालकर बच्चे जब झूलते हैं और भरते हैं किलकारियाँ, तब पूरी कायनात सिमट आती है उसकी बाहों में। इसी सुख पर पिता कुर्बान करता है अपनी पूरी ज़िंदगी, और इसी के लिए पिता बहाता है पसीना ता जिंदगी, ढोता है बोझा, खपता है फैक्ट्री में, पिसता है दफ्तर में, और बनता है बुनियाद का पत्थर, जिस पर तामीर होते हैं बच्चों के सपने। पर फिर भी पिता के पास बच्चों को बहलाने और सुलाने के लिए लोरियां नहीं होती। अगर हमें अपने माता पिता डांटे तो कभी भी उनसे नाराज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए कि उन्होंने मुझे क्यों डांटा और अपनी गलती सुधारनी चाहिए, न कि उनसे नाराज़ होना चाहिए। दुनिया में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके पास माता या पिता नहीं होते। किसी के पास माता होती है तो किसी के पास माता नहीं होती, किसी के पास पिता है तो किसी के पास नहीं है, और किसी के पास दोनों ही नहीं है। उन लोगों को माता पिता की बहुत कदर होती है। व्यक्ति को जब तक उस चीज़ की कदर नहीं होती जब तक वो उसके पास है, लेकिन जैसे ही वह उससे दूर चली जाती है तो उसकी कमी महसूस होने लगती है। इसीलिए जब तक वो हमारे पास होती है तभी से उसकी कदर कर लेनी चाहिए, बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, और जीवन में ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिनसे कि वो निराश हो। मेरी रब से एक गुजारिश है, छोटी सी लगानी एक सिफारिश है, रहे जीवन भर खुश मेरे पापा, बस इतनी सी मेरी ख्वाहिश है। बरगद की गहरी छाव जैसे मेरे पापा,
जिंदगी की धूप में घने साए जैसे मेरे पापा। धरा पर ईश्वर का रूप है, चुपती धूप में सहलाते मेरे पापा। बच्चों संग मित्र बन खेलते, उनको उपहार दिलाकर खुशी देते। बच्चों यूं ही मुस्कुराओ की दुआ देते मेरे पापा। संकट में पतवार बन खड़े होते, आश्रय स्थल जैसे मेरे पिता। बूंद बूंद सबको समेटते, अंधेरे में देखकर हौसला कहते मेरे पापा। तुमको किसका डर है, गमों की भीड़ में हंसना सिखाते मेरे पापा। और अपने दम पर तूफानों से लड़ना, किसी के आगे तुम नहीं झुकना, ये सिखलाते मेरे पापा। परिवार की हिम्मत और विश्वास है, उम्मीद और आस की पहचान है मेरे पापा। पत्र के अंत में मैं जन सरोकार मंच टोंक एवं साहित्य मंच टोडा राय सिंह के साथ साथ आदरणीय श्रीमान सूरज सिंह जी नेगी साहब व मैडम सिरोलिया जी का तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ, जो कि मेरे आदर्श स्वरूप है, जिन्होंने मुझे पाती अपनों को अपनों की मुहिम प्रोग्राम में पत्र वाचन करने का अवसर प्रदान किया तथा हमारे जैसी साधारण छात्राओं को आगे बढ़ने का मौका दिया। धन्यवाद।